तो लकड़ियाँ कुछ यहाँ हैं, टहनियाँ ये दो बड़े बड़े से। अच्छा, इनको जड़ से काटना है ताकि कुल्हाड़ी के लिए एक लकड़ी मिल जाए हमें। गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सोसाइटी, राशन वगैरह आया है तो थोड़ा सा राशनबाजी ज़रूरी है लाना, तो चलते हैं राशन लेने के लिए सोसाइटी। आपको थोड़ा सा दर्शन करा के ले आते हैं। चाबी पड़ी थी यहाँ पे, चाबी मिल गया हमें एंटॉक की। तो अभी राशन के लिए भी अलग अलग सा सिस्टम हो गया है कि जो पहले से उसमें चढ़ता था राशन की अलग सी बुक मिलती थी ना, अब वो नहीं है, कार्ड है। तो वहाँ फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं, जो राशन लेके जाता है तो उसके फिंगरप्रिंट लगते हैं हर महीने। तो वही सिस्टम है, जाएंगे फिंगरप्रिंट लगा के आएंगे। तो मम्मी ने दो कट्टे रखे हुए हैं यहाँ पे, इन्हें ले जाना पड़ेगा साथ में, चावल गेहूँ जो भी मिलेगा इसमें लेके आना पड़ेगा। एंटॉक तो रेडी रहती है 24 घंटे, कभी भी कहीं भी चले जाओ। तो अभी सीधे मिलते हैं राशन की दुकान पे। 30 करो 30, 26,970, 1.5 डालो और चाहिए, लाओ 2 किलो और। एक ही लाना, बस 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 30। तो अभी राशन वासन लेके मैं सोच रहा हूँ अपने कॉलेज का जो असाइनमेंट का काम है वो भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग के साथ साथ। असाइनमेंट का काम भी चलना चाहिए ना, वो भी ज़रूरी है, वरना प्रैक्टिकल में हम भी फेल कर देंगे तो हमारा कॉलेज वगैरह सब बंद हो जाएगा। बाहर आ रही मस्त धूप, मैंने अपने बिस्तर वगैरह भी सब धूप में डाल दी थी, ये लटक रहे दोनों। तो अब यहाँ पे मस्त चटाई वटाई बिछा के, गद्दे वद्दे बिछा के यहाँ पे असाइनमेंट का काम करते, बड़ी धूप में मज़ा आ जाएगा। चटाई गद्दा बिछाते हैं मस्त यहाँ पे, और मम्मी ने कुछ और काम बता रही मुझको अभी। बता, अरे का छू या तो नहर चेक कर। तो फिलहाल मैंने दो टहनियाँ काटनी है इधर जस्ट मेरे पीछे, छोटी वाली आरी लेके आएंगे, और कुल्हाड़ी के लिए दो बीन्स को बोलते हैं लकड़ी, कुल्हाड़ी का जो नीचे का पेस होता है लकड़ी बुक। तो लकड़ियाँ कुछ यहाँ हैं, टहनियाँ ये दो बड़े बड़े से। अच्छा, इनको जड़ से काटना है ताकि कुल्हाड़ी के लिए एक लकड़ी मिल जाए हमें। अभी इन्हें ऊपर निकाल लेते खेत में, बाकी इनके चीज़ें साफ सुथरा हो जाए। आ जा ब्रो, ये एक। तो मैं कल आया था पन्ने, ये है मेरे पेज, 10 पेज लेके आया मैं। पॉलिटिकल की फाइल बनानी है, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, और हाँ बस यही है। तो 2 फाइल मुक्को भैया बना रहे हैं, 2 फाइल हमने बनानी है, फिर एक्सचेंज करेंगे आपस में। और कॉलेज से मम्मी मिली थी ये किताबें, ये पॉलिटिकल की है, राजनीति विज्ञान, और इंग्लिश की है लिटरेचर। तो बेस के लिए मैं ले जा रहा हूँ लब्बी की मैथ्स की बुक, हाँ मैथ्स मैजिक। तो धूप के आगे पेड़ करेंगे हम, करेंगे अपने काम मस्त, यही फाइल तो कंप्लीट कर ही लूँगा मैं शायद अभी। थॉमस हार्डी ट्राइपॉड आएगी अभी यहाँ पे मैं काम में, ट्राइपॉड भैया साथ दे देना।
इसमें जैसे ये होता है कि सेमेस्टर में दो सेमेस्टर होते हैं हमारे, तो पेपर फर्स्ट का ये है, पेपर सेकंड का ये है। अभी मेरे को इन चैप्टर में से एक चैप्टर लेके इस पर फाइल बनानी है, और अगले बार जो हमें नेक्स्ट पेपर के होंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर के, जब हमारा फोर्थ सेमेस्टर होगा सॉरी, तो तब इन टॉपिक्स में से, इन चैप्टर्स में से मैं फाइल बनाऊँगा। तो अभी प्लेटो के ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्लेटो के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं और इसमें से अपना फाइल बनाते हैं इसी में। अभी फ़िलहाल मैंने इतना इतना कुछ लिखा है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर होप करूँगा कि फिर भी आपको पसंद आए राइटिंग। काफ़ी दिनों बाद लिख रहा हूँ यार आज। कहते हैं ना, वो एक ही साथ ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वही हो रहा है मेरा अभी। तो थोड़ा सा लीव लेंगे, अक्ल को करेंगे काम शुरू। तो अभी मैं आ रहा हूँ बुआ को स्कूटी सिखा के, और आज मैं लाया हूँ स्कूटी के लिए नया फ्लैग चमचमाता हुआ। जो पुराना वाला है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इसे अब स्कूटी में बैठा के देखेंगे कैसा हो रहा है। इस वाले को रिजेक्ट करते हैं और नए वाले को सिलेक्ट करते हैं, पर ये कटेगा किससे। तो अभी दरअसल बात यह है कि मैं लेके आया हूँ फ्लैग छोटा वाला, जो पहले वाला फ्लैग जो भाई लेके आया था वो थोड़ा बड़ा था साइज में, तो इसमें जैसे ही हो रहा है कि फ्लैग सही है, रस्सी कम पड़ रही है थोड़ा सा बांधने के लिए, तो मैं कैची लेके आया एक्स्ट्रा रस्सी लगाने के लिए उसमें। तो पहले इसे काटते हैं, ये कट गया भैया, और इसी में से मैं रस्सी बनाऊँगा नया वाला। तो अभी मुझे बनानी है इसमें से एक्स्ट्रा रस्सी, वो कैसे बनेगी वो दिखाते हैं आपको। इसे इतना इतना काटूंगा मैं, ये इसको बराबर यहाँ से काट लेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। लास्ट जब हम पहला फ्लैग लेके आए थे स्कूटी के लिए, तब भी मैंने ब्लॉग बनाया था, और इस बार भी मैं लेके आया हूँ अपने हिसाब से फ्लैग। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार इसकी, मज़ा आ गया। अब इसको लगाते हैं स्कूटी पे। तो ये देखिए, ये बना दिए एक्स्ट्रा रस्सी, मैं काट लूँगा ये, इसे भी काट लूँगा थोड़ा सा, इसके बाल बाल वगैरह ऊपर को आ रहे हैं ये, और थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा इस साइड से। तो ये देखा नया फ्लैग तैयार। तो फिलहाल नया फ्लैग तो लगा लिया है, और स्कूटी भी हमने सुबह से चमका ली थी, भाई ने धोती है मस्त करके, घिस घिस के नलाया है इसको आज। तो अभी मैं दोबारा से इसमें कवर लगा लूँगा, पहले स्कूटी का हम ऊपर खड़ा कर लेते हैं, इधर नीचे नहीं रहेगी है। तो अभी मैंने स्कूटी ऊपर सेट खड़ी कर दी, नीचे धूप जाने वाली है, तो इसको मेन जगह पे सेट करना है। अब इसको अच्छी तरह से ढक लेते हैं, हमारा कवर जो है यहाँ से थोड़ा सा ढीला पड़ने लग गया। अब धूप में रख रख के एक तो इसका कलर उड़ गया है, और कपड़ा थोड़ा सा धूप में ज़्यादा रख के ढीला पड़ जाता है ना, तो ये सिलाई ढीली पड़ गई थोड़ी सी, तो कवर तो नया आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कुछ करके लास्ट में क्या, मैंने
लगाया नहीं उसमें क्या बोलते हैं स्कूटी की चटाई स्कूटी की चटाई मैंने लगाई नहीं, इसको इधर फिट करना पड़ेगा बाबा। ये लो चटाई भी फिट हो गई इसकी। और अब चलते हैं हम क्रिकेट खेलने। भाई बोलते हैं ना काम का भी ख़त्म नहीं होता, एक काम हो रहा है मेरे लिए। सुबह मैंने अपने बिस्तर धूप में डाले थे, ये देखो इनको अच्छे से फोल्ड करके ऊपर रखना पड़ेगा। धूप रहेगी कम से कम 2 घंटे, इतने में हम क्रिकेट खेलेंगे मस्त, फिर उसके बाद आय को देखेंगे। क्या हो गया भैया? एक मात्रा हमारी बकरी लह लह कर रही है कब से, शायद इसको पानी वानी नहीं दिया है, तो थोड़ी गोभी के पत्ते हैं ये डालूँगा और थोड़ा पानी दिखाऊँगा मैं इसको। और मेरा बिल्ला यहाँ घूम रहा है, क्या हो गया बेटे? क्या हुआ मेरे बच्चे? कान काट दूँ? छोटे बच्चों को बोलते ना कान काट दूँ, काट दूँ, काट दूँ कान। थोड़े मैंने गोभी के पत्ते इसे, थोड़ी सी इसे, और तुम्हारे थोड़ी हमारे बर्फी को दे दिए हैं, ये देखो। इतनी जल्दी कौन खाता है भाई? तो अभी फ़ोन में भी चार्ज कम है और अभी हम इसको लगाएंगे चार्ज पे और चलेंगे क्रिकेट खेलने। उससे पहले मैं बिस्तर उठा लेता हूँ अपने, बिस्तर धूप में रह रहे के कहीं इनका भी कपड़ा ढीलाना पड़ जाए, फटने लग जाएंगे फिर। 2000 years later। तो अभी मैं आ चुका हूँ मस्त क्रिकेट खेल के, मज़ा आ गया। और मेरा बिस्तर पड़ा हुआ है ऐसे फोल्ड करके, ऐसे होता है कि गर्मी इसी के अंदर रहती है ना, फोल्ड करके खुल जाएगा तो फिर पूरी गर्मी फैल जाएगी, तो इसको तब मैं खोलूँगा जब मैं सोऊँगा। और कल है हमारा त्यौहार घुघुती त्यार जगह हम गुनू पहाड़ी में, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मेला भी लगी गया है, मेले में भी जाएंगे कल या परसों तक, देखेंगे दिन में भी और रात को भी। नाइट शो में बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, तो उनका भी मस्त ब्लॉग बना के लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे मस्त ब्लॉग। सो होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट, और चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ना बार बार।